स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चे, कल हमने चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कंचा, उसका पाठ का सार हमने किया था। आज मैंने आपको बोला था कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 12 पहले तो डेट डाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ जी, डेट जुलाई 2020 डे मंडे। ठीक है बेटा, अब पाठ का नाम डालेंगे कि पाठ कौन सा है। ठीक है, पाठ नंबर 12 नाम है कंचा। अब यहां पर लिखेंगे लेखक, लेखक हैं टी पद्मनाभन। ये हमारे पाठ के जो हैं लेखक हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम पाठ नंबर 12 कंचा के वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और साथ में क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट शब्द आता है शब्द अर्थ। पहला शब्द है, एक मिनट वेट कीजिए बेटा, मैं बुक ले लूं। हाँ जी, पहला शब्द लिखिए खनकना। खनकना मीन्स आवाज करना, आवाज करना। सेकंड वर्ड है 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना मीन्स भाग जाना, मुहावरा है भाग जाना। थर्ड है बुद्धू। बुद्धू का तो मतलब आपको पता ही है कि बुद्धू कहते हैं ना, कि ये तो बिल्कुल बुद्धू है, कि मीन्स मूर्ख है। ठीक है, तो अगला वर्ड है आकृष्ट। आकृष्ट होता है अपनी ओर खींचने वाला, आकृष्ट। यानी कि वो क्या हो रहा था, कंचों के प्रति आकृष्ट होता जा रहा था, अपनी ओर या कह सकते हैं अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, आकृष्ट। फोर्थ वर्ड है हमारे पास ताकना। ताकना होता है देखना, ताकता रहता है, कहते हैं कि ताकता में मुझे ताक रहा है, ताकना मैंने देखना। नेक्स्ट है निषेध। निषेध का अर्थ होता है नहीं, मना ही करते हैं, तो मना।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मात खाना। मात खाना मीन्स हार जाना, हार जाना होता है मात खाना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है आंखों में चिंगारियां सुलगाना। आंखों में चिंगारियां सुलगना मीन्स बहुत गुस्सा होना। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग गई थी जब मास्टर जी काम करा रहे थे और उसका ध्यान काम में नहीं था। आप होगा इधर ही विदाउट लाइन लगाई ले लीजिए बच्चे। एट्थ एट्थ हमारे पास आता है सक पकाना। सक पकाना होता है सक पकाना मीन्स घबरा जाना या घबराना। नेक्स्ट दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना इसका होगा हैरान होना, हैरान हो जाना। उसकी माँ ने दांतों तले उंगली दबाई थी ना। टेंथ है पलकें भीगना। पलकें भीगना मीन्स रोना। ये बेटे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है, आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार बोलकर भी बता देती हूँ कि क्या है। वैसे मेरे हिसाब से आपको शायद क्लियर दिखाई दे ही रहा होगा, बट फिर भी एक बार आपको बोलकर दिखा देती हूँ। देखिए बच्चे, फर्स्ट है खनकना, आवाज़ करना। 9, 2, 11 हो जाना, भाग जाना। आकृष्ट अपनी ओर खींचना कह सकते हैं या अपनी तरफ खींचना। ताकना, ताकना होता है देखना। निषेध, निषेध होता है मना। मात खाना, हार जाना। आँखों में चिंगारियाँ, बहुत गुस्सा। आंखों में चिंगारियां सुलगना, बहुत गुस्सा होना। अगला है सक पकाना, घबरा जाना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। पलकें भीगना मीन्स रोना। अब हम करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम करते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। एक एक अंक वाले जिनको हम बोलते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारे पास बनता है क्या, यहाँ पर डाल लीजिए अति लघु प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है जी, अप्पू स्कूल जाते समय
किस कहानी का मजा ले रहा था? पहला है अप्पू स्कूल जाते समय किस कहानी का मजा ले रहा होता है? स्टार्टिंग में ही बताया था ये आपको चैप्टर के सार कराते हुए। लिखिए कोई वह सियार की कहानी का मजा ले रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो क्या है? अप्पू किस बात पर जोर से हंसा? अप्पू किस बात पर जोर से हंसा? कोई की मूर्खता पर, कोई की मूर्खता पर, क्योंकि वो क्या हो गया था, सियार की बातों में आ गया था और गाना गाने के लिए राजी हो गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अप्पू मार्ग में किस स्थान पर रुक गया? अप्पू मार्ग में किस स्थान पर रुक गया था? तो किस पर रुका था बेटे? दुकान पर, दुकान पर। फोर्थ क्वेश्चन है, अप्पू दुकान में नई चीज क्या देखने को मिली? उत्तर है कंचे। रंग बिरंगे कंचे देखने को अप्पू को मिले थे। कंचों का जार देखने को मिला था ना, बहुत सुंदर। अब ये पहले इनको नोट कर ले बच्चे, उसके बाद है लिखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अप्पू को अकेले ही क्यों खेलना पढ़ता था? उत्तर लिखिए उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अप्पू को क्या करना पड़ता था, अकेले खेलना पड़ता था। अगला क्वेश्चन लिखिए, अप्पू को अध्यापक ने क्या सजा दी थी? अप्पू को अध्यापक ने
क्या सजा दी थी? अब कहते हैं कि क्या सजा दी थी अप्पू को? अप्पू को अध्यापक ने, सॉरी, अप्पू को अध्यापक ने बेंच पर खड़ा कर दिया था। तो देखिए, बेंच पर खड़े होने के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? ये तो हो गया आंखों की चिंगारी सुलगना का क्या अर्थ है, ये भी हो गया। हाँ, अप्पू की माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली थी? पहले फिर लिखिए, इससे पहले क्वेश्चन और लिखिए बच्चे। अप्पू ने कितने भुट्टे के कंचे खरीदे थे? डेढ़ रुपया को हम हिंदी में कहेंगे एक रुपये पचास पैसे के। एट्थ क्वेश्चन, इससे पहले अगर कोई और बनता है, मास्टर जी ने कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ाया? हाँ जी, मास्टर जी ने कक्षा में कौन से कौन सा पाठ पढ़ाया था? उत्तर लिखेंगे रेलगाड़ी का, रेल गाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अप्पू के कंचे कहाँ पर बिखर गए थे? कहाँ पर बिखर गए थे? उत्तर नंबर 9, सड़क पर। हाँ जी, अब इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए। ठीक है बच्चा, आप अगला क्वेश्चन देखिए। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, अप्पू की माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली? देखिए, अप्पू की माँ हैरान क्यों थी? उत्तर लिखिए, अप्पू ने फीस के रुपयों से कंचे खरीद लिए थे, इसीलिए जो है अप्पू की माँ क्या थी? हैरान थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग। इनको आप अपनी पेन नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रीड करेंगे।
ताकि कल हम उनको डिस्कस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।